हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैप्टर 3, गिव एंड टेक। अभी आप ओपन करोगे टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 43। देखो, सबसे पहले ऊपर क्या लिखा है, वर्कआउट 4 डिफरेंट वेज टू राइट द नंबर्स। तो अभी हमको क्या करना है, जो हमको नीचे क्वेश्चंस दिए हैं उनके आंसर्स को हमको 4 डिफरेंट वेज में लिखना है। पहले हमको एक एग्जाम्पल दिया है, वो हम समझ लेते हैं। द क्वेश्चन इज 59। तो अभी हमको 59 को 4 डिफरेंट वेज में लिखना है और इस तरह से लिखना है कि उसका एडिशन करें तो आंसर 59 ही आना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले 50 प्लस 9 लिखा है, तो 50 में 9 प्लस करेंगे तो 59 आंसर आएगा। नेक्स्ट 30 प्लस 29 दिया है, तो 30 में 29 प्लस करोगे तो भी आंसर 59 आएगा। नेक्स्ट 19 प्लस 40, 19 में भी जब 40 प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर 59 आएगा। और 59 में 0 प्लस करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 59। ओके, तो इस तरह से हमको ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनका एडिशन करने पर आंसर सेम आए। तो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 78। अभी इसमें भी हमको ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिनका प्लस करने पर आंसर 78 आए। ओके, वैसे तो स्टार्टिंग के दो बॉक्सेस में हम कोई भी नंबर्स लिख सकते हैं, लेकिन जो थर्ड वाला है उसमें लिखा है 30 प्लस डैश, तो उसमें हम लिखेंगे 48। 30 में 48 प्लस करेंगे तो ही हमारा आंसर क्या आएगा, 78। ओके, अभी हम सारे आंसर्स देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले लिखा है 70 प्लस 8, तो 70 में 8 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 78। नेक्स्ट लिखा है 50 प्लस 28, 50 में 28 प्लस करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 78। नेक्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, 30 हमको ऑलरेडी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो हमको क्या लिखना होगा, 48, क्योंकि 30 प्लस 48 हो जाएगा 78। ओके, नेक्स्ट 78 प्लस 0, 78 में 0 प्लस करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 78। ओके, तो इस तरह से आपको 4 डिफरेंट वेज में आंसर देना है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 83। इसमें भी ऐसा ही करना है, हमको ऐसे दो नंबर्स लिखने हैं जिसका एडिशन करने पर आंसर क्या आना चाहिए, 83। उसमें हमको सेकंड बॉक्स में डैश प्लस 43 दिया है टेक्स्ट बुक में, तो वहां हम लिखेंगे 40, क्योंकि 40 प्लस 43 हो जाएगा 83। ओके, नाउ लेट्स सी ऑल द आंसर्स। तो सबसे पहले क्या लिखा है, 80 प्लस 3, 80 में 3 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 83। सेकंड बॉक्स हमने डिस्कस किया, 43 हमको टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 40, 40 प्लस 43 हो जाएगा 83। नेक्स्ट 20 प्लस 63, 20 में 63 प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 83। नेक्स्ट 32 प्लस 51, 32 में 51 प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 83। ओके, अभी हम नेक्स्ट सम करते हैं, 99। इसमें भी हम सेम मेथड फॉलो करेंगे। अभी हमको सेकंड बॉक्स में क्या दिया है, डैश प्लस 39, तो वहां पे हम लिखेंगे 60, 60 में 39 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 99। लेट्स सी ऑल द आंसर्स। तो सबसे पहले है 90 प्लस 9, 90 में 9 प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 99। नेक्स्ट हमने अभी अभी डिस्कस किया, 39 हमको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 60, क्योंकि 60 प्लस 39 हो जाएगा 99। नेक्स्ट 30 प्लस 69, अभी 30 में 69 प्लस करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, 99। नेक्स्ट 29 प्लस 70, तो अभी 29 में 70 प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 99। अभी हम नेक्स्ट सम करते हैं, 102। अभी हमको ऐसे दो नंबर बताने हैं जिसको प्लस करके आंसर 102 आए। ओके,
और इसमें लास्ट में क्या लिखा है, डैश प्लस 50, तो वहां हम लिखेंगे 52. 52 में 50 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 102. नाउ लेट्स सी ऑल द आंसर्स. सबसे पहले लिखा है 100 प्लस 2, तो 100 में 2 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 102. नेक्स्ट 92 प्लस 10, 92 में 10 प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 102. ओके, नेक्स्ट 60 प्लस 42, 60 में 42 प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर हो जाएगा 102. नेक्स्ट हमने अभी डिस्कस किया 50 हमको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो 50 में 52 प्लस करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, 102. ओके, अभी नेक्स्ट सम 168, इसमें भी हम सेम मेथड फॉलो करेंगे और थर्ड बॉक्स में क्या दिया है, डैश प्लस 68, तो वहां हम लिखेंगे 100, क्योंकि 100 में 68 प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, 168. ओके, नाउ लेट्स सी ऑल द आंसर्स. सबसे पहले क्या लिखा है, 160 प्लस 8, 160 में 8 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 168. नेक्स्ट 90 प्लस 78, तो 90 में 78 प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 168. नेक्स्ट हमने अभी डिस्कस किया 68 हमको टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है तो हम क्या लिखेंगे, 100, क्योंकि 100 प्लस 68 हो जाएगा 168. ओके, नाउ नेक्स्ट 80 प्लस 88, तो 80 में 88 प्लस करेंगे तो भी हमारा आंसर आएगा 168. ओके, अभी इसी पेज पे हमको एक और सम दिया है. क्या क्वेश्चन है, कैन यू सॉल्व दिस पजल, राइट द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन द सर्कल्स सो दैट द सम ऑफ द नंबर्स ऑन ईच साइड ऑफ द फिगर इज 12. तो देखो, हमको साइड में एक फिगर दिया है, उसमें कुछ सर्कल्स बने हुए हैं, उन सर्कल्स में हमको नंबर्स लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6. ये नंबर्स लिखने हैं और नंबर्स इस तरह से अरेंज करने हैं कि जब हर एक साइड से हम उसका टोटल करें तो आंसर आना चाहिए 12. तो देखो, इस तरह से हम नंबर्स लिखेंगे. इस फिगर में हमको 3 साइड्स दी गई हैं. सबसे पहले हम देखते हैं 4 प्लस 3 प्लस 5, तो 4 में 3 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7, 7 में 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12. ओके, तो वो साइड का आंसर आ गया 12. अब नेक्स्ट 4 प्लस 2 प्लस 6 देखते हैं, तो 4 में 2 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 6, और 6 में 6 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12. तो ये साइड भी हमारा आंसर 12 आ गया. अब नीचे की साइड 6 प्लस 1 प्लस 5, तो 6 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 7, और 7 में 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12. तो इस तरह से हर साइड से टोटल करने के बाद हमारा आंसर क्या आ रहा है, 12. ओके, तो इस तरह से हम नंबर्स अरेंज करेंगे.